Hi everyone, welcome to my channel. My name is शिवानी चक्रवर्ती and welcome to another video. तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ ट्राई करने वाली हूँ ग्राफिक आई लाइनर, जो कि मैंने बहुत देखा है इंस्टाग्राम पे और वो भी बहुत ट्रेंड में है. तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी फेस को मॉइस्चराइज करके रखा था, तो वी कैन जस्ट मूव ऑन टू द मेकअप. तो फर्स्ट मैंने कंसीलर लगाया हमेशा की तरह. भले ही इसमें ये बस आईलाइनर का एक ट्यूटोरियल है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखने के लिए मैंने थोड़ा सा मेकअप अप्लाई कर लिया. तो क्योंकि मेरा स्किन अभी बहुत ड्राई होकर रखा है कुछ दिनों से, तो मैं क्या कर रही थी, फाउंडेशन के साथ अपना जो मॉइस्चराइज़र है उसको ऐड कर रही थी. तो मैंने इसमें निविया का जो मॉइस्चराइज़र आता है ना, उसको ऐड किया अपने फाउंडेशन के साथ लगा कर. आप देख सकते हो मेरा स्किन कितना ड्राई होकर रखा है. ऑल्दो मैंने पूरा मतलब फेस को प्रिपेयर किया था, बट स्टिल मेरा फेस बहुत दिनों से ड्राई होके रखा है ज़्यादा. एक तो विंटर आ चुका है इस वजह से. उसके बाद मैंने अच्छे से उसको ब्लेंड कर लिया. तो मेरा जो ब्लेंडर था वो हमारा जो कुत्ता है ना, उसने ख़राब कर दिया था. तो अभी मैं यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ. इसी वजह से मैंने ब्रश को एकदम अच्छे तरीके से अपने पूरे फेस को ब्लेंड करने के लिए इस्तेमाल किया. मेरा ब्लेंडर तो अभी है नहीं, तो अच्छे से उसको ब्लेंड कर देने के बाद मैंने कॉन्टोर किया अपने नोज़ को. ऑल्सो मैंने हाथ का इस्तेमाल किया ज़्यादा, क्योंकि जैसे मैंने बोला ब्लेंडर मेरे पास नहीं है और ये सब इतना ब्रश से इतना अच्छा नहीं होता, ब्लेंडर से बहुत अच्छा होता है. तो उसके बाद मैंने कॉन्टोर किया थोड़ा मोड़ा, हाथों से भी किया और ब्रश से भी किया. उसके बाद मैंने देख सकते हो, उसके बाद मैंने ब्रश लगाया जो कि थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया. तो उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, मेरा दूसरा जो ब्रश था ना जिससे मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया था, उसी से मैंने मतलब उसको ब्लेंड करने का कोशिश किया, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कोई ब्लश नहीं था तो ज़्यादा लगने का कोई चांस नहीं है और ब्लेंड अच्छे से हो जाएगा. तो मैंने दूसरे एक ब्रश की मदद से उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया. नाक के अराउंड मैंने थोड़ा सा लगा लिया ताकि थोड़ा सा फ्रेश कुछ लुक दे सके. उसके बाद मैंने मेकअप किया आई के ऊपर थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा बस, कोई थोड़ा सा एक ब्राउन कलर या ब्राउन और ऑरेंज का मिक्स करके मैंने एक थोड़ा सा आई शेडो लगा लिया. तो उसके बाद मैंने आईलाइनर लगाया, विच इज़ द हाईलाइट ऑफ दिस वीडियो. तो फर्स्ट मैंने एक विंग बनाया, उसके बाद मैंने अपने आँखों के कॉर्नर से उसको कनेक्ट कर दिया अच्छे से, जो नॉर्मल हम लगाते हैं उसी तरीके से अच्छे से उसको कनेक्ट किया. ऑल्सो मैंने इससे पहले भी एक बनाया था, लेकिन वो डिज़ास्टर था, तो मैंने उसको फिर रिमूव किया और फिर ये मैंने दूसरा बार बनाया था, क्योंकि मैंने कभी वो ड्रामेटिक मतलब आँखों के ऊपर से नहीं लगाया था, तो इस वजह से. और सो मेरे हुडर आए हैं तो इतने अच्छे नहीं दिखते, तो मुझे दो बार लगाना पड़ा. तो मैंने ये आईलाइनर पहले लगाया नॉर्मल वाला, उसके बाद मैंने अपने आँखों के ऊपर जो होता है ना हम लोगों का, वहाँ से मैंने एक लाइन खींचा और फिर उसको एकदम वो आईलाइनर का जो मेन पॉइंट उधर लगा के कनेक्ट कर दिया. उसके बाद मैंने लिपस्टिक लगाई, दो तीन लिपस्टिक, मैं एक लिपस्टिक पे टिक ही नहीं सकती, तो मैंने दो तीन लगाया. ऑल्सो शेड जो है वो मेरे फेस के साथ मैच भी नहीं हो रहे थे, तो मैंने तीन लिपस्टिक लगाया as you can see in the video. तो आप देख सकते हो ये आईलाइनर कैसा लगे. दिस इज द लुक, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो बहुत बहुत अच्छा लगा, जैसा कुछ नहीं, ये बस आईलाइनर लगाने का एक नया मतलब डिफरेंट स्टाइल है. आप इसको रेगुलर भी लगा सकते हो, या फिर अगर ये आपके ऊपर पूरा डेफिनेटली आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस तरीके के ड्रामेटिक आईलाइनर डे टू डे लाइफ में लगाना चाहते हो. यानी मुझे वैसे अच्छा लगा, ये पूरा पर्सनल प्रेफरेंस है, ये डिपेंड करता है आपको इस तरीके के आईलाइनर अच्छे लगते हैं. यानी ऑल्सो मुझे लगता है इस तरीके के आईलाइनर ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर ये कलरफुल होते, जैसे कि वाइट, नियॉन, पिंक, इस तरीके के कलर में होते, तो आई थिंक ये वाला आईलाइनर और ज़्यादा पॉपअप होके निकलता. बट फिर भी मुझे डेफिनेटली अच्छा लगा, आप भी ट्राई कर सकते हो कुछ डिफरेंट लुक के लिए. तो इतना ही था आज का ये वाला वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी.